राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, सीआर चौधरी जी, बीपी चौधरी जी, गजेंद्र सिंह शेखावत जी, राज्य सरकार के मंत्री श्रीमान सुरेंद्र गोयल जी, श्रीमान अमरा राम जी, सुरेंद्र पाल सिंह जी, श्रीमान पुष्पेंद्र सिंह जी, ओटाराम देवासी जी, श्रीमती कमसा मेघवाल जी, संसद में हमारे साथी श्रीमान देवजी पटेल, कर्नल सोनाराम जी, श्रीमान रामनारायण जी डूडी, श्रीमान नारायण लाल पंचारिया जी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, खम्मा गणी नमस्कार। दो दिन पहले ही हिंदुस्तान के हर कोने में मकर संक्रांति का पर्व मना गया और मकर संक्रांति के बाद एक प्रकार से उत्क्रांति का संकेत जुड़ा हुआ होता है। संक्रांति के बाद उन्नति अंतर्निहित होती है। मकर संक्रांति के पर्व के बाद राजस्थान की धरती पर पूरे हिंदुस्तान को ऊर्जावान बनाने का एक अहम प्रयास, एक अहम इनिशिएटिव, एक अहम प्रकल्प, उसका आज कार्य आरंभ हो रहा है। मैं वसुंधरा जी का और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस बात के लिए अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने कार्य आरंभ करने का कार्यक्रम बनाया और इसके कारण आने वाले दिनों में कोई भी सरकार हो, कोई भी नेता हो, जब पत्थर जड़ेगा तो लोग पूछेंगे पत्थर तो जड़ दिया, कार्यारंभ की डेट तो बताओ। और इसलिए इस कार्यक्रम के बाद पूरे देश में एक जागरूकता आएगी कि पत्थर जड़ने से लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता है। जब कार्यारंभ होता है तब सामान्य मानवी को विश्वास होता है। मुझे खुशी है
इस पूरे क्षेत्र की विकास यात्रा में शरीक होकर के ये कार्यारंभ का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जब मुझे पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल दे रहे थे अफसर, सारी बारीकियां बता रहे थे, अभी सब कुछ बता दिया उन्होंने, उनको लगा कि प्रधानमंत्री जी को हमने सारी जानकारी दे दी है, तो मैंने उनको पूछा उद्घाटन की तारीख बताइए। और मुझे विश्वास दिया गया है कि जब देश आजादी के 75 साल मनाता होगा, 2022 भारत के वीरों ने, आजादी के सेनानियों ने, किसी ने अपनी जवानी जेलों में खपा दी, किसी ने फांसी के तख्त पर चढ़कर के वंदे मातरम के नाद को ताकतवर बनाया, आजाद हिंदुस्तान, भव्य भारत, दिव्य भारत, इसका सपना देखा, देश आजाद हुआ, 2022 में आजादी के 75 साल हो जाएंगे। यह हम सबका दायित्व है, हर हिंदुस्तानी का दायित्व है, 125 करोड़ नागरिकों का दायित्व है कि हम 2022 में जो सपने आजादी के दीवानों ने देखे थे, वैसा हिंदुस्तान बना करके उनके चरणों में समर्पित करेंगे। ये समय संकल्प से सिद्धि का समय है। आज यहां पर आपने संकल्प लिया है कि 2022 तक इस रिफाइनरी का कार्यारंभ कर देंगे। मुझे विश्वास है ये संकल्प सिद्धि बनकर के रहेगा, और जब देश आजादी के 75 साल मनाता होगा, तब यहां से देश को नई ऊर्जा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और इसलिए मैं राजस्थान सरकार को, श्रीमान धर्मेंद्र जी के विभाग को, भारत सरकार के प्रयासों को, और आप सभी मेरे राजस्थान के भाइयों बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बाड़मेर की ये धरती, ये वो धरती है जहां रावल मल्लीनाथ, संत तुलसाराम, माता रानी भटियाणी, नागणेची माता, संत ईश्वरदास, संत धारूजी मेघ, न जाने कितने अनगणित सात्विक संत जगत के आशीर्वाद से पली बढ़ी ये बाड़मेर की धरती। मैं आज उस धरती को नमन करता हूं। पचपदरा की ये धरती स्वाधीनता सेनानी स्वर्गीय गुलाब चंद जी साले चा की कर्मभूमि, गांधी जी के नमक सत्याग्रह के पहले उन्होंने यहां पर
नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। इस क्षेत्र में पीने का पानी लाने में, ट्रेन लाने में, पहला कॉलेज खोलने में गुलाब चंद जी को हर कोई याद करता है। मैं पंचपदरा के इस सपूत को भी प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, मैं आज इस धरती पर भैरव सिंह शेखावत जी को भी याद करना चाहता हूं। आधुनिक राजस्थान बनाने के लिए, संकटों से मुक्त राजस्थान बनाने के लिए, और इस बाड़मेर में इस रिफाइनरी की सबसे पहला कल्पना करने वाले भैरव सिंह शेखावत जी को भी मैं आज स्मरण करता हूं। आज मैं जब बाड़मेर की धरती पर आया हूं तो यहां उपस्थित सबसे मैं आग्रह करता हूं कि हम सब अपने अपने इष्ट देवता को प्रार्थना करें कि इसी धरती के सपूत श्रीमान जसवंत सिंह जी, स्वास्थ्य बहुत जल्दी अच्छा हो जाए और उनके अनुभव का लाभ देश को मिले, हम सब उनके उत्तम स्वास्थ्य और जल्दी स्वस्थ होकर के हमारे बीच आए, ऐसी प्रार्थना हम सब करें और ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। भाइयों बहनों, दुर्भाग्य से हमारे देश में इतिहास को भुला देने की परंपरा रही, वीरों को उनके त्याग और बलिदान को हर पीढ़ी ने मान सम्मान के साथ स्मरण करके नया इतिहास बनाने की प्रेरणा मिलती है और वो लेते रहना चाहिए। आपने देखा होगा इजराइल के प्रधानमंत्री इन दिनों भारत की यात्रा पे आए हुए हैं। 14 साल के बाद वे यहां आए हैं और देश आजाद होने के बाद मैं पहला प्रधानमंत्री था जो इजराइल की धरती पर गया था। और मेरे देशवासी, मेरे राजस्थान के वीरों, आपको गर्व होगा कि मैं इजराइल गया समय की खींचातानी के बीच भी, मैं हाइफा गया और वहां जाकर के प्रथम विश्व युद्ध में हाइफा को मुक्त कराने के लिए आज से 100 साल पहले जिन वीरों ने बलिदान दिया था,
उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने गया था और उसमें नेतृत्व किया था इसी धरती के वीर संतान मेजर दलपत सिंह जी ने। मेजर दलपत सिंह शेखावत सौ साल पहले इजराइल की धरती पे प्रथम विश्व युद्ध का नेतृत्व करते हुए हाइफा को मुक्त किया था। दिल्ली में एक तीन मूर्ति चौक है, वहां तीन महापुरुषों के वीरों के साथ मूर्तियां हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान आते ही हम दोनों सबसे पहले इस तीन मूर्ति चौक में गए। वो तीन मूर्ति चौक उस मेजर दलपत सिंह के बलिदान की याद में बना हुआ है और आज इस बार हमने इजराइल के प्रधानमंत्री भी वहां नमन करने आए, हम दोनों वहां गए और उस तीन मूर्ति चौक का तीन मूर्ति हाइफा चौक, ताकि इतिहास याद रहे, मेजर दलपत सिंह शेखावत याद रहे, मेरे राजस्थान की वीर परंपरा याद रहे, ये काम अभी दो दिन पहले करने का मुझे सौभाग्य मिला। भाई बहनों, ये वीरों की धरती है, बलिदानियों की धरती है। शायद बलिदान की कोई इतिहास की घटना ऐसी नहीं होगी कि जिसमें मेरी इस वीर धरती के महापुरुषों का रक्त से उसको अभिषिक्त न हुई हो। और मैं ऐसे सभी वीरों को आज यहां प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, राजस्थान में तो मैं पहले बहुत आता था, संगठन का काम करने के लिए आता था, पड़ोसी का मुख्यमंत्री रहा उसके कारण आता रहता था, इस इलाके में भी कई बार आया हूं और हर बार एक बात सामान्य मानवी के मुंह से सुनता रहता था कि राजस्थान में कांग्रेस और अकाल ये जुड़वा भाई है। जहां कांग्रेस जाएगी वहां अकाल साथ साथ जाता है। और वसुंधरा जी के भाग्य में लिखा हुआ है, जब भी उनको सेवा करने का मौका मिला, इस सूखी धरती को पानी मिलता रहा। भाइयों बहनों, लेकिन हमें इससे भी आगे जाना है, राजस्थान को आगे लेके जाना है। राजस्थान के विकास की यात्रा को देश के विकास में एक नई ताकत देने वाला राजस्थान है और वो राजस्थान की धरती पर करके दिखाना है। भाइयों बहनों, अभी हमारे धर्मेंद्र जी शिकायत कर रहे थे, वसुंधरा जी शिकायत कर रही थी, उनकी शिकायत सही है, लेकिन ये सिर्फ बाड़मेर की रिफाइनरी में ही हुआ है क्या?
क्या सिर्फ पत्थर यहीं पर जड़ करके फोटो खिंचवाई गई है क्या? क्या पत्थर यहीं पर लगा करके लोगों की आंख में धूल झोंकी गई है क्या? जो लोग जरा रिसर्च करने के आदि हैं, बाल की खाल उधेड़ने की जो ताकत रखते हैं, मैं ऐसे हर किसी को निमंत्रण देता हूं कि जरा देखो तो सही, कांग्रेस सरकारों की कार्यशैली कैसी रही थी। बड़ी बड़ी बातें करना, जनता जनार्दन को गुमराह करना, ये कोई सिर्फ बाड़मेर की रिफाइनरी से जुड़ा हुआ मसला नहीं है, ये उनकी कार्यशैली का हिस्सा है, उनके स्वभाव का हिस्सा है। जब मैं प्रधानमंत्री बना, बजट देख रहा था और मैं रेलवे बजट देख रहा था, तो मेरा जरा स्वभाव है, मैंने पूछा कि भाई ये रेलवे बजट में हम इतनी इतनी घोषणाएं करते हैं, जरा बताओ तो पीछे क्या हुआ है? आप चौंक जाएंगे भाइयों बहनों, आपको सदमा पहुंचेगा। भारत की संसद लोकतंत्र का मंदिर है, वहां देश को गुमराह करने का हक नहीं होता है, लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी, कई सरकारें आई और गई, रेलवे बजट में 1500 से ज्यादा ऐसी ऐसी योजनाओं की घोषणाएं की गई जो आज उसका नामो निशान नहीं है, वैसे ही कागज पर लटकी पड़ी है। हम आए, हमने फैसला किया कि कुछ पल की तालियां कपाने के लिए संसद में जो सदस्य बैठे हैं, वो अपने इलाके में कोई रेल का प्रोजेक्ट आ जाए तो ताली बजा दें और रेल मंत्री खुश हो जाए, बाद में कोई पूछने वाला नहीं। यही सिलसिला चला, हमने आकर के कह दिया कि रेल बजट में ये वाहवाही लूटना और झूठी तालियां बजवाने का कार्यक्रम बंद। जितना होना तय है इतना ही बताइए, एक दिन आलोचना होगी, लेकिन देश को धीरे धीरे सही बोलने की, सही करने की ताकत आएगी और ये काम हम करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, आप मुझे बताइए, वन रैंक वन पेंशन, मेरे फौज के लोग यहां बैठे हुए हैं, फौजियों के परिवार जन यहां बैठे हुए हैं, 40 साल वन रैंक वन पेंशन, इसकी मांग नहीं उठी थी क्या? फौज के लोगों को बारी बारी से वादे नहीं किए गए थे? हर चुनाव के पहले इसे बुनाने का प्रयास नहीं हुआ था? ये उनकी आदत है। 2014 में भी आपने देखा होगा, 550 निवृत्त फौज के लोगों को बिठा करके फोटो निकलवानी और वन रैंक वन पेंशन की बातें बुनानी, ये करते रहे। और बाद में जब चारों तरफ से दबाव बढ़ा और जब मैंने 13 सितंबर 2013 15 सितंबर 2013 रेवाड़ी में
भूतपूर्व सैनिकों के सामने घोषणा की कि हमारी सरकार आएगी, वन रैंक वन पेंशन लागू करेगी। तब आनन फानन में, अफरा तफरी में, जैसे यहां रिफाइनरी का पत्थर जड़ दिया गया, उन्होंने इंटरिम बजट में 500 करोड़ रुपया वन रैंक वन पेंशन के नाम पर लिख दिया। देखिए, देश के साथ इस प्रकार का धोखा करना और फिर भुनाते रहे चुनाव में कि देखिए वन रैंक वन पेंशन के लिए बजट में हमने पैसा दे दिया, पैसा दे दिया। हम जब सरकार में आए तो हमने कहा चलो भाई वन रैंक वन पेंशन लागू करो, हमने वादा किया है। तो अफसर समय बिताते रहते थे, मैंने कहा हुआ क्या भाई, क्यों नहीं हो रहा है? आपको जान करके हैरानी होगी, बजट में 500 करोड़ लिखा गया था लेकिन दफ्तर के अंदर ये वन रैंक वन पेंशन है क्या, ये वन रैंक वन पेंशन के पात्रता किसकी है, उसका आर्थिक बोझ कितना आएगा, इनको कैसे, आप हैरान होंगे। सिर्फ रिफाइनरी कागज पे थी, वहां तो वन रैंक वन पेंशन कागज पे भी नहीं था, न सूची थी न योजना थी, सिर्फ चुनावी वादा। भाइयों बहनों, उस काम के प्रति मेरी प्रतिबद्धता थी, लेकिन कागज पे चीजें इकट्ठी करते करते मुझे 1.5 साल लग गया, सब बिखरना पड़ा था, पूर्व सैनिकों के नामों का ठिकाना नहीं मिल रहा था, संख्या सही नहीं मिल रही थी, मैं हैरान था। देश के लिए मरने मिटने वाले फौजियों के लिए सरकार के पास सब बिखरा पड़ा था, समेटते गए समेटते गए। फिर हिसाब लगाया कितने पैसे लगेंगे। भाइयों बहनों, ये 500 करोड़ रुपया तो मैंने सोचा शायद 1000 करोड़ होगा, 1500 करोड़ होगा, 2000 करोड़ होगा। जब हिसाब जोड़ने बैठा तो भाइयों बहनों, वो मामला 12000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया, 12000 करोड़। अब कांग्रेस पार्टी वन रैंक वन पेंशन 500 करोड़ में कर रही थी, क्या उसमें ईमानदारी थी? क्या सच में फौजियों को कुछ देना चाहते थे? क्या फौज के निवृत्त सेनानियों के प्रति ईमानदारी थी? उस समय के वित्त मंत्री इतने तो कच्चे नहीं थे, लेकिन 500 करोड़ रुपए का टीका लगा करके जैसे यहां पत्थर जड़ दिया, वहां पर बजट में लिख दिया और हाथ ऊपर कर दिए। भाइयों बहनों, हमें करीब 12000 करोड़ से ज्यादा बोझ आया। तो मैंने फौज के लोगों को बुलाया, मैंने कहा भाई मैंने वादा किया है, मैं वादा पूरा करना चाहता हूं, लेकिन सरकार की तिजोरी में इतनी ताकत नहीं है कि एक साथ 12000 करोड़ रुपया निकाल दें। ये लोग तो 500 करोड़ की बात करके चले गए, मेरे लिए 12000 करोड़ निकालना है, ईमानदारी से निकालना है, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए। फौज के लोगों ने मुझे कहा, प्रधानमंत्री जी आप हमें शर्मिंदगी शर्मिंदा मत कीजिए, आप बताइए आप हमसे क्या चाहते हो। मैंने कहा मैं और कुछ नहीं चाहता भाई, आपने देश के लिए बहुत कुछ दिया है, लेकिन मेरी मदद कीजिए, मैं एक साथ 12000 करोड़ रुपया नहीं दे पाऊंगा।
अगर मुझे देना है तो देश के गरीबों की कई योजनाओं से निकालना पड़ेगा, गरीबों के साथ अन्याय हो जाएगा। तो मैंने कहा कि मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या मैं इनको चार टुकड़ों में दूं तो चलेगा? मेरे देश के वीर सैनिक 40 साल से जिस वन रैंक वन पेंशन को पाने के लिए तरस रहे थे, लड़ रहे थे, देश में ऐसा प्रधानमंत्री आया था जो प्रतिबद्ध था, वे चाहते तो कह देते कि मोदी जी सब सरकारों ने हमें ठगा है, हम अब इंतजार करने को तैयार नहीं है, आपको देना है तो अभी दे दो, वरना आपका रास्ता आपको मंजूर, हमारा रास्ता हमें मंजूर, कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मेरे देश का फौजी यूनिफॉर्म उतारने के बाद भी तन से, मन से, हृदय से फौजी होता है। देश हित जीवन के अंतकाल तक उसकी रगों में होता है, और एक पल के बिना, एक पल के बिताए बिना मेरे फौज के भाइयों ने कह दिया, प्रधानमंत्री जी आपकी बात पर हमें भरोसा है, भले चार टुकड़े करने पड़े, छह करने पड़े, आप अपनी फुर्सत से कीजिए, बस एक बार निर्णय कर लीजिए, हम जो भी निर्णय करेंगे मान लेंगे। भाइयों बहनों, ये निवृत्त फौजियों की ताकत थी कि मैंने निर्णय कर लिया, और अब तक चार किस्त दे चुका हूं, 10,700 करोड़ रुपया उनके खाते में जमा हो गए हैं, और बाकी किस्त भी पहुंचने वाला है। और इसलिए सिर्फ पत्थर झड़ना ही नहीं, ये देश में ऐसी सरकारें चलाना ये इनकी आदत हो गई थी। आप मुझे बताइए, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, चार दशक से सुनते हुए आए हो कि नहीं आए हो? गरीबों के नाम पर चुनाव के खेल देखे हैं कि नहीं देखे हैं? लेकिन क्या कोई गरीब के भलाई के लिए योजना नजर आती है? कहीं नजर नहीं आएगी। आजादी के 70 साल के बाद भी वो यही कहेंगे, जाओ गड्ढा खोदो और शाम को कुछ ले जाओ और दाना पानी कर लो। अगर अच्छी तरह देश के विकास की चिंता की होती तो मेरे देश का गरीब खुद गरीबी को परास्त करने के लिए पूरी ताकत के साथ खड़ा हो गया होता। हमारी कोशिश है एम्पावरमेंट ऑफ पुअर, गरीबों का सशक्तिकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, लेकिन गरीब के लिए बैंक के दरवाजे नहीं खुले। इस देश के 30 करोड़ से ज्यादा लोग बैंकों का राष्ट्रीयकरण गरीबों के नाम पर किया गया, लेकिन बैंक के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाया। आजादी के 70 साल बाद जब हम आए, हमने निर्णय किया हमारे देश का गरीब भी आर्थिक विकास यात्रा की मुख्य धारा में उसको भी जगह मिलनी चाहिए, और हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना की, आज करीब 32 करोड़ ऐसे लोग जिनके बैंक में खाते खोल दिए गए। और भाइयों बहनों, जब बैंक का खाता खोला तब हमने कहा था कि गरीबों को एक भी रुपया दिए बिना बैंक का खाता खोलेंगे, जीरो बैलेंस से खोलेंगे। लेकिन मेरे देश का गरीब, कहने को भले गरीब हो, जिंदगी भर गरीबी से जूझता हो, लेकिन मैंने ऐसे मन के अमीर कभी देखे नहीं है जो मन का अमीर मेरा गरीब होता है। मैंने ऐसे अमीरों को देखा है
जो मन के गरीब है, और मैंने ऐसे गरीबों को देखा है जो मन के अमीर है। हमने कहा कि जीरो बैलेंस से बैंक का खाता खुलेगा, लेकिन गरीब को लगा नहीं नहीं कुछ तो करना चाहिए। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मुझे खुशी से आपसे कहते हुए गर्व होता है कि इन जिन गरीबों का जीरो अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट बना था, आज उन गरीबों ने 72,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जनधन योजना बैंक अकाउंट में जमा किया। अमीर बैंक से निकालने में लगा है, मेरा गरीब ईमानदारी से बैंक में जमा करने में लगा है। गरीबी से लड़ाई कैसे लड़ी जाती है भाइयों बहनों? आपको मालूम है, अगर गैस का चूल्हा चाहिए तो कितने नेताओं के पीछे घूमना पड़ता था, 6-6 महीने तक। एक पार्लियामेंट के मेंबर को 25 कूपन मिलती थी कि आप एक साल में 25 परिवारों को गैस का कनेक्शन देकर के ऑब्लाइज कर सकते हो। और कुछ ऐसे भी एमपी की खबरें आया करती थी, को कूपन को भी ब्लैक में बेच देते थे। भाइयों बहनों, क्या आज भी मेरी गरीब मां लकड़ी का चूल्हा जला करके धुएं में जिंदगी गुजार रहे? क्या गरीब का कल्याण ऐसे होगा? हमने फैसला लिया कि मेरी गरीब माताएं बहनें जो लकड़ी का चूल्हा जला करके धुएं में खाना पकाती है, एक दिन में 400 सिगरेट का धुआं उसके शरीर में जाता है, और घर में जो बच्चे खेलते हैं वो भी धुएं के मारे मारे जाते हैं। भाइयों बहनों, हमने बीड़ा उठाया, गरीब का भला करना है, नारों से नहीं होगा, उसकी जिंदगी बदलनी होगी। और हमने उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 3,30,00,000 परिवारों में गैस का कनेक्शन पहुंचा दिया। लकड़ी का चूल्हा, धुएं की मुसीबतें इन करोड़ों माताओं को मुक्त कर दिया। आप मुझे बताइए, हर दिन जब चूल्हा जलाती होगी, गैस पर खाना पकाती होगी, वो मां नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देगी कि नहीं देगी? वो मां हमारी रक्षा करने के लिए प्रण लेती होगी कि नहीं लेती होगी? क्योंकि उसे पता है कि गरीबी से लड़ाई लड़ने का ये सही रास्ता अब नजर आ रहा है। भाइयों बहनों, आजादी के 70 साल के बाद 18,000 गांव जहां बिजली न पहुंची हो, आप मुझे बताइए, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन वो तो 18वीं शताब्दी में जीने के लिए मजबूर है। उसके मन में सवाल उठता है, क्या ये आजादी है? क्या ये लोकतंत्र है? ये मैं बटन दबा करके सरकार बनाता हूं, क्या ये सरकार है जो मुझे आजादी के 70 साल के बाद भी मेरे गांव में बिजली नहीं पहुंचाती है? और भाइयों बहनों, ये 18,000 गांवों को बिजली पहुंचाने का हमने बीड़ा उठाया, अब करीब 2,000 गांव बचे हैं, काम चल रहा है तेजी से, 21वीं सदी की जिंदगी जीने के लिए उनको अवसर मिला। आजादी के 70 साल बाद आज भी 4 करोड़ से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिनके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है। हमने बीड़ा उठाया है
जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती होगी तब तक इन 4 करोड़ परिवारों में मुफ्त में बिजली का कनेक्शन दे दिया जाएगा। उसके बच्चे पढ़ेंगे, गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो गरीबों को एम्पावर करना पड़ता है। ऐसे अनेक चीजें हम लेकर के चल दिए हैं भाइयों बहनों। ये रिफाइनरी भी, यहां की तकदीर भी बदलेगी, यहां की तस्वीर भी बदलेगी। इस मरुभूमि में जब इतना बड़ा उद्योग चलता होगा, आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने लोगों की रोजी रोटी का प्रबंध होगा। और वह कारखाने की 4 दीवारी में रोजगार मिलता है ऐसा नहीं है, उसके बाहर एक चेन चलता है, अनेक उसके समर्थन में छोटे छोटे उद्योग लगते हैं। इतने बड़े उद्योग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, पानी पहुंचता है, बिजली पहुंचता है, गैस पहुंचता है, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचता है। एक प्रकार से पूरे क्षेत्र की आर्थिक उसका मानदंड बदल जाते हैं। और जब इस प्रकार के लोग आएंगे, बड़े बड़े बाबू यहां रहते होंगे, तो अच्छे शिक्षा संस्थान भी अपने आप वहां बनने लगेंगे। जब इतनी बड़ी मात्रा में देश भर से लोग यहां काम करने के लिए आएंगे, राजस्थान के नौजवान काम करने के लिए आएंगे, कोई उदयपुर से आएगा, कोई बांसवाड़ा से आएगा, कोई भरतपुर से आएगा, कोई कोटा से आएगा, कोई अलवर से आएगा, कोई अजमेर से आएगा, तो उनके स्वास्थ्य की सुविधा के लिए भी अच्छी आरोग्य की व्यवस्थाएं बनेगी जो पूरे इलाके का लाभ करेगी। और इसलिए भाइयों बहनों, 5 साल के भीतर भीतर यहां कितना बड़ा बदलाव आने वाला है, इसका आप भली भांति अंदाज कर सकते हैं। भाइयों बहनों, आज मैं एक ऐसे कार्यक्रम को यहां आरंभ करने आया हूं जिसमें मेरा घाटे का सौदा है। भारत सरकार के लिए घाटे का सौदा है, पुराने सरकार वाला काम आगे बढ़ा होता तो भारत सरकार के खजाने में करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए बच जाते हैं। लेकिन ये वसुंधरा जी, राज परिवार के संस्कार तो है, लेकिन राजस्थान का पानी पीने के कारण वो मारवाड़ी वाले भी संस्कार है। उन्होंने ऐसे भारत सरकार को जितना चूस सकती है चूसने का प्रयास किया है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव होता है कि एक मुख्यमंत्री अपने राज्य के हित के लिए अपनी ही सरकार दिल्ली में है तो भी अड़ जाए और अपनी इच्छा मनवा करके रहे। मैं बधाई देता हूं वसुंधरा जी ने कि उन्होंने राजस्थान के पैसे बचाए और भारत सरकार को योजना सही कैसे बने उसको करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। और उसी का नतीजा है कि आज वसुंधरा जी और धर्मेंद्र जी ने मिलकर के कागज पर लटके हुए इस प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने का काम किया है। मैं इन दोनों को बधाई देता हूं, मैं राजस्थान को बधाई देता हूं और आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
मेरे साथ पूरी ताकत से बोले, भारत माता की। बाड़मेर की धरती से अब देश को ऊर्जा मिलने वाली है। ये रिफाइनरी देश की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करने वाली है। वो ऊर्जा यहीं से चल पड़े, देश के हर कोने में पहुंचे, यही शुभकामनाओं के साथ खम्मा गणेश।